हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आर चैनल वीनो डायरीज। आज हम बात करेंगे महिलाओं के सम्मान पर, महिलाएं अपना सम्मान कैसे कराएं। कितनी बार महिलाएं बताती हैं कि उनके घर में जरा भी सम्मान नहीं है, उनके पति भी उनका सम्मान नहीं करते हैं और सोते हुए क्या उम्मीदें रखें। पति ही सम्मान नहीं करते हैं उनके आंसुओं की, उनकी परेशानी की, पति को जरा भी कदर नहीं है। घर में सबका ध्यान रखा जाता है, सबकी बात सुनी जाती है, जो चाहते हैं वही किया जाता है, लेकिन एक पत्नी ही घर में ऐसी है कि जिनकी बातें ना तो सुनी जाती हैं और अगर वो कुछ कहने की कोशिश करती है तो उनको चुप करा दिया जाता है। आज हम यही बात कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी उन सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि देखो, आप अपने पति से सम्मान ज़बरदस्ती नहीं करा सकती। आप ज़बरदस्ती पैसे ले सकती हैं, आप अपने पति को ज़बरदस्ती कहीं लेकर जा सकती हैं, आप अपने पति से ज़बरदस्ती कोई काम करा सकती हैं, लेकिन सम्मान ऐसा होता है जो आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकती। चाहे आप सर से एड़ी तक जोर लगा लें, आप कितना भी अपने पति का प्यार करें, कितना भी उनको सम्मान दें, लेकिन अगर आपकी रेस्पेक्ट आपके पति की नज़रों में नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश करें वो नहीं होगी। और यही रीज़न है कि बहुत बार महिलाएं बताती हैं कि उनकी शादी को 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 18 साल हो गए हैं या 20 साल हो गए हैं, लेकिन पति आज तक भी उनका सम्मान नहीं करते हैं। वो पहले भी अकेली थी और आज भी वो अकेली है, क्योंकि सम्मान आप ज़बरदस्ती करा ही नहीं सकती। और जो आपके पति अभी तक सम्मान नहीं करते हैं, आपकी शादी को 10, 15, 18 साल हो गए हैं, तो अब आप किसी भी तरह की उम्मीद नहीं लगा सकती कि इन फ्यूचर में वो आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सम्मान पाने के लिए कोशिश नहीं की। आपने बहुत कोशिश की है लेकिन आपके पति की नज़रों में है ही नहीं वो बातें। आपकी बातों की वैल्यू नहीं है, आपके आंसुओं की वैल्यू नहीं है, आपकी किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है, तो नहीं होगी। जब तक आपके पति नहीं चाहेंगे, नहीं होगी। आज मैं यहाँ पर आपको 5 बातें बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने आप में खुश रह सकती हैं, या फिर कहें तो अपना सम्मान करा सकती हैं, अपनी नज़रों में तो कम से कम आप अच्छी बन सकती हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हो सकता है किसी दूसरे को आपसे भी ज़्यादा इस वीडियो की ज़रूरत हो, इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बात जो मैं अपने सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, सम्मान तभी हो सकता है जब आप अपने पैरों पर खड़ी हों, आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, आप किसी दूसरे के ऊपर आस्तिक ना रहें कि आपके पति आपको पैसे दें, आपके पति आपको कहीं लेकर जाएं, आपके पति जो कहें वही आप काम करें। नहीं, आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद से उठाएं, अपने खर्चे, अपने निर्णय, आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आपको जीवन जीना है, क्योंकि ये आपका जीवन है, किसी दूसरे का नहीं, ये आपका जीवन है, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको कैसे जिया जाए, अपने खर्चे कैसे चलाए जाएं। और आज के समय में ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आप कमा नहीं सकती, आप जो चाहें वो काम कर सकती हैं, बस आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में अपने आप को संभालने का, अपने आप को आगे लेकर जाने का, अपने आप को आगे बढ़ाने की हिम्मत होनी चाहिए। फिर चाहे कोई भी रुकावटें आएँ, कोई भी आपको रोके, आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, देखिए, सम्मान की कमी कहाँ पर खलती है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार होता है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, वहीं पर सम्मान की कमी खलती है। वहीं पर लगता है कि हम तो अपने पति को बहुत प्यार करते हैं, हम तो जो चाहे वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन पति है कि हमारी सुनते ही नहीं हैं, पति है कि हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमें रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। और वहीं पर जहाँ उम्मीदें ज़्यादा होती हैं ना, वहीं पर लड़ाइयाँ भी होती हैं। इसलिए देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि पति आपका ख्याल नहीं रखते हैं, पति आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपकी बातों की उन पर ज़रा भी कदर नहीं करते हैं, आपके आंसुओं की, आपकी परेशानी की उनको रेस्पेक्ट ही नहीं है, तो आप भी उम्मीदें छोड़ दीजिए। कितनी बार मुझे महिलाएँ बताती भी हैं कि हमारे पति बार बार बोलते हैं कि तुम उम्मीदें मत रखो, अगर तुम्हें लड़ाई झगड़े होते हैं हमारे रिश्ते में, अगर हमारे रिश्ते में प्यार नहीं है तो तुम उम्मीदें छोड़ दो मुझसे। तो कोई बात नहीं, उम्मीदें छोड़ दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है, आपके पति बार बार आपको ऐसा बोलते हैं कि उम्मीदें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। और वैसे भी उम्मीदें अपने आप से ही होनी चाहिए, क्यों दूसरे से उम्मीदें लगाएं। और जितनी आप ज़्यादा उम्मीदें रखेंगी,
उतनी ही आप अपने आप को कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करेंगी, कहीं ना कहीं अपने आप को परेशानी में ही डालेंगी। इसलिए उम्मीदें मत रखिए, अपने आप से उम्मीदें रखिए। आपको जो काम करना है नहीं करना है, अपने आप से ही बात करिए और अपने आप ही वो डिसीजन लीजिए, किसी दूसरे से उम्मीदें नहीं। और जब आप उम्मीदें नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है आपको टाइम लगे, क्योंकि जब किसी को बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी जाती है ना, तो जब उस रिश्ते से बाहर निकला जाता है बहुत दर्द होता है। मैं समझ सकती हूँ आपकी इस परेशानी को, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी शादी को बहुत टाइम हो गया है और पति आपका सम्मान नहीं करते हैं, तो आपको निकलना ही होगा। क्योंकि इतने लंबे समय के बाद मुझे खुद नहीं लगता कि आपके पति अब आपका सम्मान करेंगे, आपके पति अब आपको वो प्यार करेंगे। नहीं बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जहाँ पर सम्मान होता है ना और प्यार होता है, वहाँ पर शुरू से ही होता है, स्टार्टिंग से ही वो आपका सम्मान करते हैं, स्टार्टिंग से ही वो आपको प्यार करते हैं। बहुत बार महिलाएं बताती हैं कि ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि पति हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमें पैसे भी देते हैं, जो काम कहते हैं वो काम भी करते हैं, लेकिन जैसे सम्मान जो प्यार होता है वो जैसे उनको कभी मिला ही नहीं। तो अब आप उसकी उम्मीद भी छोड़ दीजिए, बस आप खुश रहिए, अपने बच्चों में खुश रहिए, अपने आप में खुश रहिए। आपको जो करना है वो निडर होकर वो काम करिए। तीसरी बात देखिए, अब आपको मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, कितनी बार ये होता है ना, महिलाएं अपने अपमान की जिम्मेदार खुद भी होती हैं, स्वयं होती हैं। देखिए, महिलाओं की नेचर होती है कि कोई उनसे थोड़ा सा भी प्यार से बात करे, भाई उनके पति हैं या कोई दोस्त हैं, कोई भी हैं, उनसे बस थोड़ा सा प्यार से बात करे, वो अपने मन की सारी बातें उनको बता देती हैं और सामने वाला उनसे हमदर्दी जता कर उनसे बातें तो पूछ लेते हैं, सारी मन की बातें जान लेते हैं, लेकिन बाद में सिर्फ़ और सिर्फ नीचा दिखाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बेइज्जती करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनमें कमियां बताते हैं। इसलिए बहनों, अपने मन की बातें कभी भी किसी को भी मत बताइए। कितनी बार होता है ना कि अपने मायके की बातें होती हैं, और हमारे तो परिवार वाले हमें बताते भी हैं कि मायके की कभी ससुराल में नहीं बतानी चाहिए, ससुराल की कभी मायके में नहीं बतानी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि दोनों ही जगह रेस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ससुराल की मायके में बताएंगे तो मायके में रेस्पेक्ट नहीं होगी, और अगर हम मायके की ससुराल में बताएंगे तो ससुराल में रेस्पेक्ट नहीं होगी। इसलिए अपने मन के अपने अंदर ही रखिए। आपको कोई परेशानी है, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कोई बातें हैं, तो अपने आप से शेयर करिए, लेकिन किसी को अपने मन की बातें मत बताइए। क्योंकि इस दुनिया में ना सब लोग सुन तो लेते हैं बहुत प्यार जताकर, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं वो आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, और यही कारण है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। इसलिए इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। चौथी बात देखिए, अगर कोई आपका सम्मान नहीं करता है, अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है, तो कोई बात नहीं, उनको आप माफ़ कर दीजिए। उनसे आपको जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपका सम्मान नहीं करता तो आप भी उसका सम्मान ना करें, नहीं, आप उनका सम्मान करिए, पूरा ध्यान रखिए, लेकिन अपने आप में मस्त रहिए। आपको जो अच्छा लगता है वो काम करिए, उनको अपशब्द कहने की, उनकी बेइज्जती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बता ही रही हूँ कि सम्मान आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, वो तभी होगा जब आप उनकी नज़रों में उठेंगी, जब आप आपको वो इस लायक समझेंगे कि इनको सम्मान देना है, इनको प्यार करना है, ये मेरी अर्धांगिनी है। लेकिन जब वो आपको इस लायक मानते ही नहीं हैं, तो आप कितनी भी कोशिश करें वो नहीं करेंगे। इसलिए अपने आप में मस्त रहें, जो आपको अच्छा लगता है वही काम करिए, जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको मत करिए, लेकिन हर हाल में आपको खुश रहना है, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, जो आपको अच्छा लगता है, जिसके साथ रहना आपको अच्छा लगता है उनके साथ रहे, घूमने चले जाएं, अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने चले जाएं, अपने बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने चले जाएं, खूब हंसकर अपने बच्चों के साथ बात करिए, बच्चों के साथ नई नई प्लानिंग करिए कि आज यहाँ घूमने चलेंगे, आज यहाँ पर चलेंगे। अरे आपको परेशानी क्या है, कोई बात नहीं। अगर एक इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो क्या आपका जीवन ख़त्म हो गया? मैं उन सभी बहनों से पूछना चाहती हूँ कि आपका जीवन ख़त्म हो गया? अरे नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों में, अपने आप में मस्त रहें। पांचवी बात देखिए, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जब मैं कितनी बार महिला को बताती हूँ कि आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाइए, अभी भी मैंने आपको बताया है कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाइए, तो मुझे महिलाओं के बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम जॉब नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम लाचार हैं।
अपनी लाचारी बताने लगती हैं। देखिए मेरी प्यारी बहनों, आप अपनी लाचारी मत बताइए। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप जॉब नहीं कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब नहीं कर सकती, मत करिए। मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताई है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, लेकिन अगर आप नहीं हो सकती, मैं आपको ये भी तो कहती हूँ कि हर हाल में खुश रहिए, आपको खुश रहना है। तो मैं उन सभी बहनों से जो जॉब नहीं कर सकती हैं, जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती हैं, जो नहीं कमा सकती हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप पास पड़ोस में अपनी वैल्यू नहीं करा सकती हैं, आपकी एक जगह रिस्पेक्ट नहीं होती है, तो आप दूसरी जगह अपनी रिस्पेक्ट कराइए, अपनी फ्रेंड्स सर्कल बनाइए, बाहर निकालिए, सामाजिक बनिए, थोड़ा लोगों से जुड़िए, उनके दुख दर्द में काम आइए। आप अपनी परेशानी से परेशान है ना, तो आप लोगों की परेशानी को दूर करिए, जितना हो सकता है लोगों की परेशानी को दूर करिए। जब आप लोगों की परेशानी को दूर करेंगे, जब आपको लोग जानेंगे, आपका एक तो देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लोग आपकी समझदारी की तारीफ़ करेंगे, और जो आपका सम्मान नहीं करते हैं, एक दिन वो भी आपकी बात मानेंगे, वो भी आपका सम्मान करेंगे। बस आपको जिस जगह पर आप अभी हैं, वो जगह से थोड़ा हट के अपनी रिस्पेक्ट करानी है। मतलब जैसे आपके पति हैं, आपके ससुराल वाले हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको कुछ नहीं समझते हैं, तो बाहर पास पड़ोसी में जो आप अपना फ्रेंड सर्कल बनाएंगी, उनसे अपनी रिस्पेक्ट कराइए, उनके काम आइए, उनके दुख दर्द में काम आइए। धीरे धीरे लोग आपको जानेंगे, धीरे धीरे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, और जब आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा तो आपकी वैल्यू अपने आप हो जाएगी, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर आपको इस तरह की झंझटों में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपने आप ही कहेंगी कि हाँ, अब अच्छा लगता है मुझे, अब मुझे लगता है कि मैं इस लायक हूँ, अब लोग मेरी समझदारी की तारीफ़ करते हैं। उसके लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको समझदार होने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस होने की ज़रूरत है, कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बाहर ज़रूरी नहीं है सब लोग आपकी तारीफ़ ही करें। कुछ लोग हो सकता है आपका अपमान भी करें, आपकी बेइज्जती भी करें, तो वहाँ पर आपको पेशेंस होना चाहिए, वहाँ पर लोग आपका पेशेंस लेवल चेक करते हैं। इसलिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए, फिर देखिए कैसे आपका सम्मान होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज़ इनको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।